भाई साहब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? सो गाइस यार, आज मतलब हम अपनी आरसी को भगाएंगे, पर इतनी नहीं भगाएंगे, पता है कि चेक करेंगे इसकी पावर कितनी सी है और कितना दम है अपनी आरसी में। तो आज आपको दिखाते हैं। सो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया यार मोहित के साथ राइड किए, तो देखते हैं बस कब तक उसके साथ राइड का प्लान बनता है यार, क्योंकि उसके वगैरह मतलब राइड करने का मज़ा नहीं आता है। तो बस आप वेट करो उस बंदे का, वो भाई हर बंदे का मतलब क्या बोले यार, हर बंदे को इंजॉय करवाता है वो बंदा। तो बस बहुत जल्द उसके साथ राइड होने वाली अपनी, और शायद उससे पहले अपनी राइड अभिनीत भाई के साथ हो, तो देखते हैं क्या बनता है। वाह भाई वाह, ये भाई मजा, ये तो मेरी आरसी से भी ऊंचा है। भाई आज संडे है, मतलब ज्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, क्योंकि भाई पब्लिक प्लेस में ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर खाली रोड आ रही है तब तो भाई कोई सीन नहीं होता यार, ऐसे कुछ सीन सून हो जाए तो फिर। ये देखो भाई, मेरी बारी में हर बार ये जो डॉग होते हैं ना भाई, बीच सड़क में आ ही जाएंगे, मतलब हर बार इनका तो मतलब दिल्ली का हो गया है। ओ भाई भाई सब कंट्रोल है यार, आरसी का कंट्रोल है भाई, ड्यूल चैनल एबीएस काम कर जाता है भाई, पर ज्यादा स्पीड हो तब तो भाई आपको पता कोई भी नहीं कर सकता। बाबा जी भाई, ये आ गया अपना बालू पुल का नज़ारा देख लो आप, और भाई खड्डे अलग। लेट्स गो गाइस, चलते हैं अब भाई अपनी फेवरेट रोड सा रोड ही है इस रोड में, ये भाई की मतलब मैं तो कंजेस्टेड, पर रोड काफ़ी ज़्यादा साफ है, वो भाई बाइक भगाने का भी मज़ा आता है इधर। भाई साहब यार, ये डंडे ना कहीं पीछे आ जाए, इनसे ओवरटेक कर लेता हूँ पहले मैं, देख सकते हैं मतलब कि चढ़ाई पे भाई कुछ ही हो सकता है। तो भाई अगर आपको वीडियो देखने का मज़ा आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आज भाई मेरे को खाली रोड है, और भाई मोहित को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ भाई यार, क्योंकि वो बंदा यार हर संडे राइड पे अपने साथ होता था, पर उसको यार कुछ फैमिली प्रॉब्लम है अभी घर में, तो मैंने उसको बोला भाई कि चल पड़ कि साथ में राइड कर लेते हैं यार, तेरे वगैरह कुछ वो फीलिंग नहीं आती यार भाई। तो उसको मैंने बड़ा फोर्स किया यार, पर उसकी मजबूरी है। ओ भाई 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 साहब, एकदम रेत, जब रेत आती है ना भाई एकदम रोड पे, तो भाई जो मतलब फीलिंग आती है ना, तो बंदा सोचता है यार कि अब तो गए। एक ही मोही वीडियो देख रहा होगा ना, अकेला फील हो रहा है यार, क्योंकि अपना जो मतलब पार्टनर है एक वो ही है यार, जो हर राइड पे मतलब पूरा इंजॉय देता भाई बंदा वो। और यार गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल अपने फ्रेंड के घर, तो चलो उधर चलते हैं। और भाई मैंने जाना है अभी जुमार से, थोड़ा सा नीचे जाना है, राइड करने का प्लान ही था अभी शूट करने का, तो मैंने ऐसे ही भाई ऊपर लिया, मैंने चल कोई नहीं अकेला हूँ तो थोड़ी बातें कर लेते हैं पब्लिक से, और क्या, ऐसे तो भाई अकेले बोर हो रहा था मैं भी, तो साथ में जाने वाला कोई नहीं था, तो बस ऐसा कुछ सीन है यार। और देख, मैंने सोचा यार आज मैंने अपनी बाइक में थोड़ी सी टेपिंग करवानी थी, तो थोड़ी सी इसको मैंने कर देना था मॉडिफाई करनी थी, बट यार आज संडे है तो आज दुकानें
सारी बंद थी, तो फिर मैं चल कोई नहीं, जब भी जब कभी भी हमें टाइम लगेगा तब भाई थोड़ी सी इसको हम चेंज करेंगे। और यार जो मैंने ना फ्रंट में जो LED लाइट के ऊपर जो टेप करवाई है रेड और ब्लू वाली, तो वो यार मतलब कि बारिश से ना पानी बस वो थोड़ी ना फिक्की पड़ी वो डल पड़ी है वो, तो उसको मैंने रिमूव करके भाई दोबारा से इंस्टॉल करना है उसमें उसमें। भाई ये आ गया अपना चंबा का टॉप का व्यू, यहाँ से भाई चंबा पूरा दिख जाता नीचे। और जो काफ़ी फेमस जगह हमारी चंबा की जहाँ पे बंदे हर कोई मतलब पिक्स वगैरह क्लिक करवाते हैं वो है भाई सुई माता का मंदिर। और भाई सुई माता बस ये जो सीढ़ी है यहाँ पे भाई बंदे मैक्सिमम शूट करने आते हैं, तो ये रही वो लोकेशन। भाई दो दो एम्बुलेंस चली आज इकट्ठे ही भाई साहब। और भाई क्या चाल, बढ़िया भाई बढ़िया, कर दिए फिर इतनी चढ़ाई है भाई खड़ी बिल्कुल। और ये भाई ट्रक जा रहे ऊपर को, इसे पीछे नहीं चढ़ना चाहिए भाई इतनी चढ़ाई में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो आप भी अवेयर रहे इस चीज़ से। भाई मेरे को डर लगता है यार मतलब कि बड़े ट्रक के पीछे चढ़ने का। तो यार गाइस अपने ना आज इतनी ज़्यादा गर्मी छोड़े ना भाई कि मेरी टांगे पूरी ना इस टाइम रोस्ट हो रही है यार काफ़ी ज़्यादा। और भाई आज की यार ये दिक्कत बड़ी लगी मेरे को कि मतलब बंदा ना जब इसको सिटी में राइड करेगा ट्रैफिक में थोड़ा सा भी, और भाई फर्स्ट और साइड गियर में इसको राइड करेगा, तो भाई उसमें इसमें ये दिक्कत आती है कि बाइक एकदम हीट हो जाती है यार एकदम, मतलब कि फर्स्ट गियर डालते भाई इतनी हीट करने लग पड़ती है बाइक ना, मतलब ये कोई आप मतलब 100 मीटर रन करो फर्स्ट गियर में तो भाई बस फैन फैन फैन, और भाई इतनी गंदी हीट छोड़ती है ना अपनी हाथ से यार क्या ही बोले। गर्मी में तो भाई बुरा हो जाता है और सर्दी में तो चलो ठीक रहता है फिलहाल। भाई आरसी की एक बात है कि इसकी जो चेसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा यार, बस बंदा इसको हैंडल करने वाला चाहिए भाई इसको कंट्रोल में करने, बाकी बाइक सही है भाई आरसी, कोई दिक्कत नहीं इस बाइक में। भाई इधर से लेनी है मैंने राइट टर्न, और भाई इसका ऊपर का व्यू देख लो आप कितना सही हो, सामने वो नीचे आ गया भाई करियाँ और सामने आ गया भाई चंबा। और भाई ये जो रोड है ना भाई दी कंजेस्टेड, भाई सच्ची बात बोलो ना मेरे को इस रोड चढ़ने में ना थोड़ा डर लगता है यार, मतलब कि इस रोड में बस चलती है ना। और यार एक दिन मैं आया इस रोड पे और भाई गाड़ी लेके आया था मैं, तो भाई जैसे ही मतलब मैंने मोड़ के पास पहुंचा ना भाई एकदम आगे से बस आई ना, और भाई क्या बोलूँ यार इतना डरा ना भाई मैं लाइफ इस तरह के भी डर भाई यार ये रोड ही ऐसी है ना मतलब कि पूरी पूरी बस लगती है। और भाई मैं भी मतलब नीचे वाली साइड में था, तो ये तो मैंने गाड़ी को तो कंट्रोल कर लिया, बट ये था कि भाई डर गया था यार भाई उस टाइम में। ये देखो भाई, और यार गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ लाइक करो यार अभी के अभी, और भाई कमेंट करो और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। काफ़ी अच्छी राइड रहेगी वैसे, मेरी सोलो राइड होगी सुबह ही, तो ये भाई आइडिया मोही का था, वो मेरे को भाई बंदा बोलता रहता यार कि कभी सोलो राइड भी किया कर अकेले जाना भी चाहिए, हर बार बोलता है मैं ही तेरे साथ थोड़ी चला रहूँगा। मैंने यार ये बात भी सही भाई, क्योंकि वो उस बंदे को अपना काम है, मेरे को मेरा भी अपना काम है यार, तो जैसे हमें मतलब टाइम लगता है तो हम भाई बीच बीच में राइड कर लेते हैं। और आपको पता है हमारी राइड तो भाई काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, फिर हम मतलब एक दो महीने के लिए भाई राइड नहीं करते, उसको जब जाएंगे ना तो लॉन्ग राइड होती है भाई अपनी जिंदगी। तो और भाई नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्लान है कि हम जाएंगे लद्दाख के लिए, तब तक देखते हैं। भाई बिल्कुल न्यारा रोड है यार बिल्कुल ही ज़्यादा भाई, ये देख लो मेरे को भाई मतलब ये हाईवे पे मतलब यार कहीं भी डर नहीं लगता, बस ये है ना ऐसी जो मतलब कंजेस्ट रोड होती है ना, और भाई आगे से कोई भी बस ट्रक या गाड़ी कुछ भी आ जाए ना भाई, तो भाई मतलब
चलो हम तो सही चले होंगे, हमें तो भाई अब मत, जैसे कि मैं अभी चलाऊंगा मेरे को पता है भाई आगे से कोई गाड़ी आ सकती है तो मैं स्लो हो रहा हूँ, पर भाई जो सामने वाला बंदा आगे आएगा ना तो उसको फिर पता होगा कि भाई आगे से कोई आ रहा है। भाई कई बंदे की सोच होती है वो बड़ी स्पीड में चले होते तो भाई उस टाइम वो दिक्कत आती है बड़ी ज़्यादा, तो उस चीज़ से डरता भाई मैं और कुछ नहीं। बाकी भाई आप व्यू देख लो, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गया वैसे मैं, और भाई काफ़ी ज़्यादा सही व्यू है यहाँ का, तो वो देख लो ऊपर और भी वो खाली रोड है भाई, कोई कोई बाइक आ रही है भाई यहाँ पे कभी कभी। बट यार मेरे को ना शीशे में मतलब पीछे देखने की आदत पड़ी है ना, मतलब कोई भी भाई ट्रैफिक में जब चलेंगे हम तो पीछे दिख जाता है भाई कौन बंदा फॉलो कर रहा है, मतलब कुछ भी वो दिख जाता है भाई। पर यार ये शीशा मेरा ना यहाँ से टूट गया है तो मैंने खुद ही मतलब नेट लगा के इसको टाइट कर लिया है, तो अभी देखते हैं यार जब हम राइड पर जाएँगे पठानकोट, या पठानकोट जाना शायद मैंने पहले जाएंगे पठानकोट और उसके बाद जाऊंगा भाई मैं कांगड़ा बीर बिलिंग जाएंगे शायद, तो देखता हूँ नेक्स्ट राइड में शायद इसको मैं ठीक कर पा लूँ अगर टाइम लगा तो। भाई साहब व्यू चेक कर लो। सो ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और ठीक है गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो ओके बाय, टेक केयर।